एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ती है? इसकी अगर यूज हम देख ले तो ये यूज होती है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल से स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है, इस वजह से हमें इस हाई एनर्जी पार्टिकल की जरूरत होती है, तो वो हमें साइक्लोट्रॉन की मदद से हासिल हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो है एक्सोलेंट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमें दरकार होती है वही हाई एनर्जी पार्टिकल, जो एक आयन को हम उसमें प्लेस करना चाहते हैं। असल में उस प्लेसमेंट के लिए हम इस तरह मैनुअली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें हाई एनर्जी पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो है टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके, तो ये फिर पहले वाले से कनेक्टेड है और यही बात है कि न्यूक्लियस तक पहुंचना तकरीबन इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें हाई एनर्जी पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी ये हाई एनर्जी पार्टिकल को हम ये हाई स्पीड हम अचीव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरेट करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉजिटिव प्लेट लिया हुआ है, ये मैंने नेगेटिव प्लेट लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो क्यों चार्ज है ये यहाँ पर प्लेस कर दी हमने, और इस पे जो फोर्स लगेगी वो F इज इक्वल टू क्यू ई लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, और यहाँ से हमें फोर्स हासिल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू क्यू। सो ये हो वही फोर्स है, ये यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज पे लगेगी और इस साइड पे ये मूव करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ से हमें पता चल जाता है जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे उतना ही ये तेजी के साथ मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। सो यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखा हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उतना ही हमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट्स में इस तरह से नजदीक करो एक दूसरे के साथ, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही वो चार्ज पार्टिकल जो है उतना ही तेजी के साथ मूव करेगा। प्रॉब्लम इसमें ये थी कि अगर हम इसकी जो डिस्टेंस है हम इसको बढ़ाएंगे, जिस तरह फिर फॉर एग्जाम्पल हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये दो प्रॉब्लम अगर ये यहाँ दो इक्वेशंस को देख लें तो यहाँ से पता चल जाता है कि या तो हमें इस जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है इसको इंक्रीज करना चाहिए, अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्पीड को इंक्रीजमेंट मिलेगी, ठीक है, और दूसरा या फिर ये बहुत टाइम तक इस फील्ड के अंदर रहे तभी इसकी जो फाइनल स्पीड होगी इसकी वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को देखते हुए हम यहाँ पे डिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो जो चार्ज है वो उसके लिए डिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम हो गई तो स्पीड जो है वो कम होगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, और दूसरी बात अगर हम इसको ज्यादा देर तक इस फील्ड में बसा के रखें तब इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। इसकी जो डिस्टेंस है ना तो हम इसको कम कर सकते हैं ना हम इसको बढ़ा सकते हैं, ये जो दूसरी डायग्राम इसको हम इस तरह से लार्ज कर सकते हैं लेकिन ये भी हम नहीं कर सकते। इस इक्वेशंस के थ्रू अगर हम देख रहे डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और इस पे जो पुश लगेगी फोर्स लगेगी वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम टैकल करने के लिए हमने इस तरह किया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है हम ये पहले ये जो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस साइड पे लगेगी, तब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इस साइड पे मूव करेगी, ये किस तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव प्लेट हो जाएगा, जब चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड पे हो जाएगी तब ये किस तरह मूव करेगा, फिर दूसरी बार ये इस तरह मूव करेगा, इलेक्ट्रिक जो पोलरिटी है उसको हम स्विच करेंगे। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें तो ये यहाँ पे टू डीज है, होलो मेटेलिक सेमी सर्कुलर कंटेनर डीज, टेक्सचर जो है वो डी की तरह होती है तभी इसको डीज बोलते हैं, और ये जो है एक सोर्स एस है जहां से चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं, और यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अच्छा, तो इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस साइड पे होगी तभी इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस साइड पे होगी, और ये चार्ज पार्टिकल वो इन साइड पी वन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डी वन है और ये हमारे पास डी
टू है, तो यहाँ से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ से D1 की तरफ एंटर होगा। जैसे ही ये एंटर होगा D1 के अंदर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंटेनर होगी वो जीरो हो जाएगी। और इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो अब इसको सर्कुलेट करने के लिए जो हमें फील्ड चाहिए वो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को पता है ये चार्ज एक्सेलरेशन में इसका कोई अमल नहीं होता, और जो इसका सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ये एनी डायरेक्शन मूव कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। तो ये जो डॉट डॉट मैंने लगाए हुए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड भी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये इस साइड से जाएगा ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो आउटसाइड मेटल होगी। सो ये आउटसाइड डीज भी बोल सकते हैं, ये आउटसाइड डीज होगी, तो इसलिए आउटसाइड को हम आउट ऑफ द पैच को हम डॉट से इंडिनोट करते हैं। इसको हम आप लोग अभी ये जो डायग्राम है ये दिखाई भी देगा, तो ये इसका डायग्राम है स्पेसिफिकली। सो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लग जाता है और इसको सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, जहाँ यहाँ तक जब पहुंच जाता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है इस पे ये ऑसिलेटर लगा हुआ है, हाई वोल्टेज तकरीबन 10,000 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, 1,00,000 to 10,00,000 तक ये बिल्कुल जल्दी जल्दी स्विच हो जाता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जब ये यहाँ तक पहुंच जाता है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर करता है ये किस वजह से करता है, यहाँ पे पोलैरिटी स्विच हो जाती है और ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, और इस साइड पे इस तरह फिर जहाँ D2 को एंटर हो जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सर्कुलेट हो जाता है, और इसकी इससे जब बाहर निकलता है तो तब फिर दोबारा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, और इस साइड पे स्पीड जो है वो ज्यादा लग जाती है और इसकी अगेंस्ट स्पीड ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे एंटर होके फिर इस तरह से यहाँ तक जब बिल्कुल हाई स्पीड गेन कर लेता है तो यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशंस पे आ जाए तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगती है, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो किस वजह से लगती है, मैग्नेटिक फोर्स के जरिए से। तो इफ सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, ये लगेगी तभी सेंट्रीपेटल फोर्स हमें गेन होगी। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू वी वी जो है वो एफ मैग्नेटिक है, वी वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा, इसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास आ जाएगी एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। अच्छा, ये इक्वेशन वन कंसिडर हो गया, ये इसका आर आ गया, ये इसका वी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी इसी को हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और हाफ एम जो है वो अपनी जगह पे वी स्क्वायर के जगह पे वी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो ये वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाता है एमएम के साथ कैंसिल हो जाता है, ये इक्वेशन सी हो गया। अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात कर लें तो टाइम पीरियड का आप लोगों को पता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये यहाँ पे सेंस में मैंने लिखा हुआ है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा इज फॉर सर्कुलर मोशन, और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर हो गया। ठीक है, यहाँ से और ओमेगा जो ओमेगा विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर की वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाली हुई है वो ये है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसके साथ v और v कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचता है ओमेगा की वैल्यू क्यों v बाय m हो जाती है। अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये हम इस तरह से अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से वापस आ जाता है तो ये तकरीबन सर्कल ही हम कंसिडर कर देते हैं, सर्कल के लिए हम पूरा सर्कल घूमने के लिए हमें 2π दरकार होती है, यानी 360 डिग्री पूरा ये घूम जाती है, तो ओमेगा हमारे पास उसकी वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारे पास उसकी टाइम पीरियड हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। इसको जस्ट उल्टा आपको कर दें तो फ्रीक्वेंसी चूंकि टाइम पीरियड की उल्टा होती है तो ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन इसका सबसे पहले ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल पे काम नहीं करती, जो साइक्लोट्रॉन मोशन है वो चार्ज पार्टिकल पे काम करती है। दूसरा लिमिटेशन इसका है कि ये जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल पे ये काम नहीं करती, लाइक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं करती, तो इस वजह से F is equal to यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो क्यों E के बराबर होता है, और F जो है according to second Newton law वो ma के बराबर होता है, तो यहाँ पे इस तरह हो जाता है कि acceleration अगर हम फाइंड करें छोटी सी पार्टिकल के लिए तो क्यों E is equal to m हो जाएगा, तो जो मास है अगर हम इसको बहुत ही स्मॉल करें, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो अगर हम बहुत कम पार्टिकल को ले लें कम मास वाले तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो है इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट एक दो सर्कल में ही वो उसका हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा, तो इस वजह से इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल।
तीसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल टू इनटू स्पीड ऑफ लाइट. सो ये हमारे पास था साइक्लोट्रॉन मोशन. सो थैंक यू.